का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम जो है इन पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसे भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। तो सोर्स मास के तौर पे मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि यहां पर है अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये अपने आसपास का ये जो रीजन है इसे मॉडिफाई करेगा और क्रिएट करेगा यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर उस फील्ड में जो है हम कहीं से एक मास लाते हैं, चलिए हम एक मास अगर लाते हैं, ये जो मास है ये है स्मॉल एम, और यहां पर इस अर्थ का जो मास है उसे हमने मान लिया कि इसका जो मास है यह है कैपिटल एम। तो अब इस फील्ड में जब हम इस मास को लाएंगे तो होगा ये कि इस पूरे सिस्टम के पास होगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो यहां भी हम सोर्स मास के तौर पे कंसीडर करेंगे कि यह है अर्थ जिसका कि मास यहां पर कैपिटल एम ही होगा। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो इसी से एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो मान ले कि यहां पर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि वो है 5 जूल पर किलोग्राम। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 5 जूल पर किलोग्राम। अब अगर हम कहीं से यहां पर मास लाकर रखते हैं, मान लेते हैं कि हम जो मास लाकर के यहां पर रख रहे हैं वह है एसआई सिस्टम में बात करें तो वह है 1 किलोग्राम का। तो जब हम यहां पर 1 किलोग्राम का मास लाकर के रखेंगे तो यहां पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 5 जूल पर किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम, ये हो जाएगा 5 जूल के। इसी तरह से अगर हम यहां पर 2 किलोग्राम का मास लाकर के रखते तो 5 × 2 ये हो जाता 10 जूल। तो ये फायदा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अगर हमें किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता हो तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर हम उस पॉइंट में कोई भी मास ला करके रखते हैं तो हम बता सकते हैं कि वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब चलिए इसके डिफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर इसका जो डिफिनेशन है वो ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी पॉइंट में वो होगा कि अगर हम इनफाइनाइट से एक मास को जो है उस पॉइंट तक लाते हैं तो जितना हम काम करेंगे वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अगर हम इस मास को जो है इनफाइनाइट पे रखते हैं, यहां पर अगर रखते हैं जो कि यहां पर डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से, ये इनफाइनाइट मान लेते हैं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर इस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर ये जो सिस्टम होगा, ये जो सिस्टम होगा इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर हम इस मास को यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से ले जाते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, तो यहां तक लाने में जिस पॉइंट की हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वहां तक उस पॉइंट तक लाने में हम जितना काम करेंगे वही काम जो है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर ये जो मास था एम, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम जो है हम यहां से यहां तक ला रहे हैं, यहां तक जब हम ला रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो वर्क डन होगा यही वर्क डन जो हम काम करेंगे यही काम यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। अगर यहां पर जो वर्क हो रहा है ये डब्ल्यू है मान ले, तो फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये डब्ल्यू के ही बराबर होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये बराबर होता है नेगेटिव यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सोर्स मास। देखें यहां पर अर्थ जो है ये है सोर्स मास जिसका की मास है एम, कैपिटल एम, तो यहां पर हमें लिखना होगा कैपिटल एम इनटू जिस मास को हम ला रहे हैं जो कि है स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर रहे हैं वो जो पॉइंट है वो यहां पर सोर्स मास से कितना डिस्टेंस दूर है। तो यहां पर देखें तो ये जो डिस्टेंस है, हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, सो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो यहां पर होगा स्मॉल आर। तो ये होता है किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से देखें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें जो है यूनिट मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से
लाना होगा, जिस पॉइंट की हम पोटेंशियल पता करेंगे उस पॉइंट तक लाना होगा। तो उस पॉइंट तक लाने में हम जितना काम करेंगे वही काम जो है उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो यहां पर अगर मान ले कि यहां पर यह इनफाइनाइट और यहां पर जो है यूनिट मास रखा हुआ है, सो यूनिट मास है ये, एसआई सिस्टम में बात करें तो ये होगा 1 किलोग्राम का। तो इस यूनिट मास को जो है हमें यहां से यहां तक लाने में जो हम काम करेंगे, जो यहां पर वर्क डन जो भी काम करेंगे हम, वही काम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। इसे हम डिनोट करते हैं वी से। तो अगर यहां पर देखें तो ये जो पोटेंशियल होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो इसी फार्मूले से हम बता सकते हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे थे, हम यहां पर स्मॉल एम को ला रहे थे, यहां पर हम यूनिट मास को ला रहे हैं, तो हम यहां पर एम के जगह पर 1 कर देंगे। तो यहां पर जो होगा ये होगा माइनस जी, जो कि होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, ये हो गया स्मॉल आर। तो यहां पर हमें लिखना होगा, यहां पर हमें लिखना होगा स्मॉल आर। तो ये हो गया इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब जो है हमें इसे डिराइव करना है। देखें जो हम डिराइव करेंगे वो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करेंगे, और जब हम इसे डिराइव कर लेंगे तो हम अपने आप इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। कैसे, हम जहां पर स्मॉल एम लिख रहे हैं यहां पर हम 1 डाल देंगे। तो चलिए इसे इवेल्युएट किया जाए। तो यहां पर आप देखें, आप यहां पर देखें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो फोर्स होगा वो बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मैं यहां पर डिस्टेंस लिख दे रहा हूं, मैं चलिए पूरा नहीं लिखूंगा, ये होगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर आप इस पॉइंट में इस मास को रखते हैं तो फिर इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा, तो यहां पर फोर्स का वैल्यू कुछ होगा। अब अगर इसी मास को इस पॉइंट में रखते हैं तो फिर इसका जो डिस्टेंस होगा वो देखिए यहां से लेकर के यहां तक होगा, कुछ और होगा, तो यहां पर फोर्स कुछ और होगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट में मास को रखते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कुछ और होगा, तो यहां भी फोर्स कुछ और होगा। तो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसका मतलब जो हर एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो भी फिक्स नहीं होगा, वो भी वेरी करेगा। तो जब फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस मास को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, जो हम काम करेंगे वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब हम यहां पर एक आर्बिट्ररी सिचुएशन कंसीडर करेंगे। चलिए हमने ये मान लिया कि हमने इस मास को, स्मॉल एम को यहां पर रखा और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स। यहां ध्यान दे कि ये जो डिस्टेंस एक्स है इसे हम जो है यहां पर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, बाईं ओर से दाहिनी ओर। अब जब हम इस मास को यहां पर रखेंगे तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका कि यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इस डायरेक्शन में यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स होगा, चलिए इसे डिनोट करते हैं कि ये है एफ जी। तो ये बराबर होगा यहां पर जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहां पर इस मास का, इसके सेंटर से, इस अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पर ये होगा एक्स का स्क्वायर। अब हाँ करेंगे हम जो है इस मास को यहां तक लाएंगे, हम एक छोटा सा यहां पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। हमने यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो जो है वो यहां से यहां तक किया है, ये बहुत बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जो कि है यहां पर डी एक्स, छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट हमने किया। हमने जो है इस मास को यहां से यहां तक लाया, हमने एक छोटा सा यहां पर डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेकर के यहां तक जो कि है डी एक्स। अब हमें यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में हमें कुछ काम करना होगा, हमें जो है यहां से यहां तक लाने में इतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। चलिए हमने ये मान लिया कि हमने जो यहां पर फोर्स अप्लाई किया है
हमने जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है ये है, जो कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बराबर होगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। यहां पर एक डाउट आ सकता है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ तो खुद ही इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर हमें कहां पे काम करना होगा? हम तो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये तो खुद काम कर रहा है, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर अगर आप सोचे, आप ऐसे सोचे कि अगर आप इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस मास को थोड़ा सा आप ढकेल देते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के आप ढकेल देते हैं, तो होगा ये कि इस पर एक्ट करने लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे कि ये जो मास है ये मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। दैट मीन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें यहां पर करना यह है कि हमें इसके काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखने के लिए आपको एग्जैक्टली इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। आप इसे बहुत 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 धीरे लाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का यहां पर एक्सीलरेशन डालना नहीं चाहते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है उसे जीरो रखना चाहते हैं, तो आपको इतना ही फोर्स इस फोर्स को जो है काटते रहना होगा, और इस फोर्स को काटते रहना होगा और इस डायरेक्शन में धीरे धीरे लाना होगा। यहां भी एक डाउट आता है कि अगर हम इतना ही फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा तो फिर नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। यह मैं आपको बता दूं कि अगर मान लें कि यह अर्थ का सरफेस और इस सरफेस के ऊपर जो है यहां पर एक मास रखा हुआ है जिस पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, मान लें कि यह है 100 न्यूटन का, चलिए हमने ये मान लिया कि यह है 100 न्यूटन का, और आपने क्या किया, आपने इस पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन का, आपने भी ऊपर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो अब यहां पर ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगा, तो फिर यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ मूव कहां करेगा, यही है यहां पर डाउट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस 100 न्यूटन के फोर्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आपने कम कर लिया, मान लेते हैं कि 0.001 न्यूटन आपने इतना फोर्स कम कर लिया, तो जब आप फोर्स इतना कम करेंगे तो अब नीचे की तरफ इतना जो है नेट फोर्स बनेगा। अब जैसे ही नीचे की तरफ एक नेट फोर्स बनेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड ये होगा, तो उस नेट फोर्स के कारण जो है यहां पर ये जो मास है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये जो मास है ये यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो इसे मिलेगा एक इनिशियल स्पीड, इसे एक स्पीड मिल जाएगा, और उसके बाद जैसे ही इसे एक इनिशियल स्पीड मिलता है उसके बाद आप इस फोर्स को जो है फिर से बढ़ा करके 100 न्यूटन कर लें, तो आप जब 100 न्यूटन कर लेंगे तब तक इसे जो है एक स्पीड मिल चुका होगा, और इसी स्पीड को ये कंटेन करके रखता है। अब आपको करना यह है कि आपको 100 न्यूटन अप्लाई करके इस फोर्स को कैंसिल करते रहना है, और ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ इतने ही स्पीड से आता रहेगा नीचे की तरफ, तो यहां पर ये जो स्पीड होगा ये इतना कम होगा, इतना कम होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहां भी किया जाता है, आपको इस फोर्स को अप्लाई करके इस फोर्स को कैंसिल करते रहना होगा, और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ते रहेगा। और यहां पर इस छोटे से प्रोसेस में जो है हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो हम इस प्रोसेस में यहां से यहां तक लाने में जो है हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहां पर जो छोटा सा वर्क डन होगा वो बराबर किसके होगा, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा वर्क डन है ये है dW, तो ये बराबर होगा फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि है यहां पर जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई यहां पर जो डिस्टेंस है जो कि है एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है यहां पर dx। ध्यान दें कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए हम जो है यहां पर डाल देंगे एक नेगेटिव साइन, तो ये हो गया छोटा सा वर्क डन। तो यहां पर हमें क्या पता करना है, हमें यहां पर टोटल वर्क डन पता करना है। दैट मीन हम इस मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो है इस पॉइंट तक लाने में हम कितना काम कर रहे हैं, तो उसे हमें पता करने के लिए जो है हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा जो कि होगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन
इसे हम डिनोट करेंगे चलिए W से, तो ये जो टोटल वर्क डन होगा ये बराबर होगा, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं कांस्टेंट टर्म को पहले से ही बाहर ले ले रहा हूं, जो कि है यहां पर माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और फिर हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन। सो यहां पर ये होगा इंटीग्रेशन इंटू यहां पर होगा 1/x² इंटू dx के। अब देखें यहां पर हमें लिमिट को बैठाना है, तो आप ध्यान से देखें तो हम इस मास को कहां से ला रहे हैं, हम यहां पर इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, हम इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट पे देखें यहां पर जो x का वैल्यू होगा यहां से लेकर के यहां तक का जो x का वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा, और इस पॉइंट में देखें जो x का वैल्यू होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा जो कि होगा r के स्मॉल r के। तो यहां पर हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, दैट मीन जो इसका लोअर लिमिट होगा वो होगा इनफाइनाइट और अपर लिमिट होगा यहां पर स्मॉल r। तो यहां पर लोअर लिमिट होगा इनफाइनाइट और अपर लिमिट होगा स्मॉल r। अब यहां पर एक मजेदार बात है, वो ये है कि ये जो x है ये किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, इसे हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, बाईं ओर से दाहिनी ओर इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो dx है ये किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, वो यहां पर इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसे हम मेजर कर रहे हैं दाहिनी ओर से बाईं ओर। तो इसलिए हमें यहां पर डाल देना होगा एक निगेटिव साइन, तो यहां पर हमें लगाना होगा एक नेगेटिव साइन। तो यहां पर जब ये नेगेटिव साइन हम डालेंगे तो ये बाहर चला आएगा और इसके साथ ये हो जाएगा प्लस, तो यहां से अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर इसे करेंगे इंटीग्रेट। सो यहां पर जो टोटल वर्क डन है W ये बराबर होगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और फिर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा यहां पर माइनस 1/x और इसका जो लोअर लिमिट है वो होगा यहां पर इनफाइनाइट और अपर लिमिट होगा यहां पर स्मॉल r। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर ये जो लिमिट है इसे जो है इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो चलिए लिमिट को भी इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो यहां से ये बराबर होगा g इंटू कैपिटल m इंटू स्मॉल m, और फिर हमें यहां पर लिखना होगा माइनस 1/x की जगह पर तो r हो जाएगा, और फिर माइनस, और फिर यहां पर लिखेंगे माइनस 1/x के जगह पर हमें यहां पर इनफाइनाइट रखना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट। तो यहां से ये जो टर्म है ये बाहर चला जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, ये वैनिश कर जाएगा यहां से, तो मैं इसे हटा देता हूं। अब हमें मिलेगा ये, और हम इसी को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं सजा करके, ये बराबर होगा यहां पर W, ये बराबर होगा यहां पर जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहां पर स्मॉल आर, और यहां पर होगा नेगेटिव साइन। तो फिर हमें यहां पर ये मिला कि ये है टोटल वर्क डन। तो आप इस फार्मूले को जो है यहां पर इससे एक बार मैच करा ले, दोनों सेम है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब हमें अगर इस पॉइंट का जो है इस पॉइंट का अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर यूनिट मास को लाना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो स्मॉल m आपको दिख रहा है इसके जगह पर हम 1 कर देंगे, यहां भी 1 करेंगे, यहां भी 1 करेंगे, और यहां भी 1 करेंगे, और यहां भी 1 करेंगे, तो फिर यहां भी हमें 1 करना होगा। तो इसलिए यहां पर जो हमें मिलेगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए वो बराबर होगा v, ये बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस जी इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एम की जगह पर जब हम 1 लिखेंगे तो फिर इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा आर। सो यहां पर ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फार्मूला। तो फिर हम इस तरह से जो है इसे इवैल्यूएट करते हैं।